बीते दिन गुरदासपुर के कस्बा उधनवाल में गुरुबानी के गुटका साहिब गुरुओं की फोटो की गठरी बांधकर गंदगी के ढेर पर फेंकने की घटना सीसीटीवी में सामने आई है। बेअदबी करने वाला व्यक्ति गुरुद्वारे में आता है और गुरुद्वारे में अंदर रखी गुटका साहिब और फोटो उठाकर चादर में रख के गठरी बांधकर वहां से निकल जाता है। हालांकि पुलिस इस मामले में इतने दिनों बाद भी बेअदबी वाले का सुराग नहीं लगा पाई। इसी को लेकर सिख संगठनों में पुलिस के खिलाफ रोष पाया जा रहा है। गौरतलब है कि स्थानीय गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करती आ रही है, क्योंकि इसी कमेटी को पता था कि गुटका साहिब और अन्य फोटो उनके गुरुद्वारे की ही है। लेकिन इस बात के बाद भी स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने नहीं दी। जबकि सिख जत्थेबंदियों के दबाव में आज जब गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी फुटेज को सबके सामने खंगाला गया तो घटना की असलियत सामने आई। इस दौरान सिख जत्थेबंदियों के नेताओं का कहना है कि इस बेअदबी में स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शक के घेरे में है और इसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। इस मामले में जो भी आरोपी है उसकी पहचान करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं आज पुलिस और सिख जत्थेबंदियों के लोगों के सामने गुरुद्वारे परिसर में ही पड़े कचरे में पावन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ने बरामद हुए हैं, जिसके कारण मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सीसीटीवी की मदद से जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कांड हन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बेअदबी वाले दिन ब दिन वधदे जा रहे हैं। इन्हां उपर नत्थ सर्व दी सिर्फ एक ही तरीके दे नाल पाई जा सकदी है, जे असीं पदार्थ अते स्वार्थ नूं त्याग दईए। पदार्थ अते स्वार्थ नूं जेकर असीं त्याग के गुरु नूं मुख रख के चलांगे तां जरूर पर जरूर जिहड़ियां बेअदबियां हन इन्हां ते नत्थ पाई जा सकदी है। मेन जिहड़ी गल्लबात है, अज कल दे जिहड़े प्रबंधक ने बहुत ज़्यादा ढिल्ले ने। असीं कैमरे ला के समझदे हां कि शहर सारा कुछ ठीक ठाक है, नहीं, जिथे कैमरे लाया उत्थे घट्टो घट गुरु घर में दो सेवादार तैयार बर तैयार रहने चाहिए आ। तो जितों धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सरूप आ रहे हैं उतों भी श्रोमणी कमेटी वालों उत्थे पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए है। उतों लिख लिखाई होने चाहिए किहड़े किहड़े बंदे लैके गए आ। जो अड्डा उधनवाल विच गुरद्वारा गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाँ पर बनया होया है, इत्थे जो पिछली दिनी घटना वापरी सी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दीआं पोथियां पहला भाग तो होर दूसरा भाग तीसरा भाग अते गुटका साहब ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की फोटो इस गुरु घर दे विचों गुरु घर दे दुष्ट ने दोखी ने लै करके बाहर सड़क के उपर निरादर किया। पहला इस गुरु घर विच गुरु घर की प्रबंधक कमेटी ने जो गल दबाई गई सी वो गल दबी नहीं रही। कैमरे कैमरे दे विच जिहड़ा दोषी है वो शरेआम महाराज दीआं पोथियां इतों लै करके बाहर जाता है तो सड़क से सुटता है, वो सारी कवर हो गई है। तो प्रशासन ने सानू सारिआं नूं विश्वास दवाया कि अज शामां तक बंदा क्लीयर कौन वा कित्थों दा वा रहण वाला ये दोषी ने क्यों किया वो सारा जथेबंदियों के सामने दस्या जाएगा। इस दे विच जो एस एस पी साहब ने सानू गाइडलाइन ही दित्ती सीगी उस मुताबिक असी कल शामी सानू इन्ना क पता इनफॉर्मेशन मिली सी भी इसी गुरुद्वारे साहब तो जिहड़ा एक इंसान ने जिहड़ियां इह जिहड़े आ गुटका साहब जां पोथियां जां अपने गुरु महाराज दी फोटो आ उह लै के गया। तो असी इत्थे आ के जो सीसीटीवी कैमरे इहदी डीवी देखिया तो उहदे विच वाकई उह सानू उहदे विच लै के जांदा करदा इकट्ठा करके दिखिया। और जदों इह लै के भी आए आ उसी रुमाला साहब च जां जिहड़ा थल्ले शलील का जिहड़ा बैठा बिछिया सीगा मैट उहदे विच ही लपेटिया होया सी। उहदी सानू जिहड़ी फुटेज आ बड़ी अच्छी तरह मिल गई आ और इन्ना भी थोड़ा जिहा पता लगा है भी उह कमान एरिए दे विच ही कितें ना कितें इस वेले घूम रहा है।